पूरी क्षेत्र के जुरी बस स्टैंड से पुलिस ने 1 किलो 350 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को पकड़ा। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। शिवपुरी जिले की पोरी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने पकड़े गए तो गांजा तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी पोहरी निरीक्षक रविशंकर कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि झिरी बस स्टैंड पर एक युवक अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। उक्त सूचना पर से पुलिस ने मौके पर पहुंची आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी महेंद्र उर्फ चकले गोस्वामी उम्र 24 वर्ष निवासी झिरी के कब्जे से एक सफेद थैले में रखा मादक पदार्थ गांजा जिसका वजन 1 किलो 350 ग्राम निकला जब्त कर आरोपी के खिलाफ NDPS के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रविशंकर कौशल, सहायक उप निरीक्षक नईम खान, प्रधान आरक्षक कौशलेंद्र सिंह, आरक्षक कुलदीप शर्मा, मुनेश धाकड़, मुकेश परमार, सदन भिलाला, हरिशंकर निगम, सियाराम मेड़ा, राजकुमार राठौर की अहम भूमिका रही। पोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, पुलिस ने आज एक गांजी कार्रवाई की, एक आरोपी को भी पकड़ा, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कुछ मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि बस स्टैंड ग्राम झिरी में महेंद्र और टकले, जो इसका पूर्व में भी अपराध रिकॉर्ड रहा है, झिरी मंदिर मामले में भी इसको गिरफ्तार किया गया था कि वह गांजा बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर से बस स्टैंड ग्राम झिरी से महेंद्र टकले को अभिरक्षा में लिया गया और महेंद्र टकले से एक प्लास्टिक के थैले में 1 किलो 350 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और अपराध क्रमांक 127/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है और महेंद्र टकले को आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।